मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, सीखो झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। कोई भी उलझन हो या मुश्किल, इन्हीं बातों से मिलती है मंजिल। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें। हमारी बजी में कितने घड़े हैं? नौ नेपो। अगर आपने घड़ी आगे नहीं रखी होगी तो नौ बज रहे हैं। नौ? अरे बाप रे, इसका मतलब है आज मैं ऑफिस के लिए फिर लेट हो जाऊंगा और फिर चंद्रिका आंटी, मेरा मतलब चंद्रिका मैडम मुझे डांटेंगी, इसलिए मैं 5-10 मिनट फिर सो जाता हूँ। डैडी उठिए। क्या हुआ, उठा के नहीं तुम्हारा बाप? उठे थे, फिर सो गए। इस आदमी को ना नौकरी की जरा भी परवाह नहीं है, न जाने मेरे बेटे ने कैसे दिन गुजारे होंगे इसके साथ। तुम्हें पता है तुम्हारे नाना जी सुबह 5 बजे उठकर बाहर चले जाते थे, कितने डिसिप्लिन थे वो। वो डिसिप्लिन के वजह से नहीं जाते थे, तो आपसे बचने के लिए जल्दी निकल जाते थे। डैडी आप उठिए ना, थोड़ी देर पहले चंद्रिका आंटी का फोन आया था। चंद्रिका आंटी का फोन आया था, क्या कह रही थी? पता नहीं, नानी माँ से बातें कर रही थी। बातें कर रही थी कि साजिश कर रही थी? तुम्हारी बॉस ने मुझे तुम्हें सावधान करने के लिए कहा है। किससे? आपसे? अपने आप से। कह रही थी आज अगर तुम ऑफिस वक्त पर नहीं पहुँचे तो उसे मजबूरन तुम्हारी शिकायत चेयरमैन से करनी पड़ेगी। हेलो चंद्रिका आंटी, एक मिनट, उनसे कहो कि मैं लड्डू को लेकर डेंटिस्ट के पास गया हूँ, इसलिए ऑफिस पहुँचने में आधा पौना घंटा और लग जाएगा। मैं चंद्रिका आंटी से झूठ नहीं बोलूंगी। हम बचपन से आपने हमें सच बोलना सिखाया है। अरे ये मेरे बचपन में क्यों नहीं सिखाया मुझे तुमने? कम से कम अब तक तू जल्दी उठने की आदत लग जाती। बाथरूम का है, पानी का है, साबुन का है, सासू माँ का है, नहाते चलो। का करूं सजनी, अमर आज अभी तक ऑफिस नहीं है? हाँ लगता है वो आज भी मैडम का डांट सुनने वाला है। डांट नहीं, मुझे लगता है मैडम आज उसे ऑफिस से घर भेज देगी। क्यों? अरे रोज रोज का झूठ कौन बर्दाश्त करेगा। पेन से टॉम, अमर जी कहाँ? अभी तक नहीं आया। अच्छा हुआ नहीं आए, मैडम कह रही थी अगर वो आज भी लेट आएंगे ना तो वो उन्हें डेफिनेटली सस्पेंड कर देंगे। कौन 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 सस्पेंड हो रहा है? तुम और कौन? अपने ऑफिस में सस्पेंशन के लायक दूसरा है कौन? बात क्या है? क्या बात है क्या? आज तुम कितना लेट हो गया, आज फिर से मैडम को झूठ बोला ना तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। यार टॉम पेन से मेरी कुछ मदद करो यार तुम लोग। हाँ, बोलो बोलो बोलो। मैं अंदर जाके मैडम को बंडल मारता कि मेरा बेटा ना लड्डू उसकी टांग में, टांग में नहीं दांत में हाँ दांत में दर्द शुरू हो गई जिसकी वजह से मुझे उसे डेंटिस्ट के यहाँ ले जाना पड़ा। हाँ तो तुम लोग अंदर आके बोलना कि अरे यार अमर तुम सुबह सुबह डेंटिस्ट के यहाँ क्या कर रहे थे, ऐसा बोल देंगे। ओके, लेकिन ब्रदर कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना, वरना पता चला तुम्हारी जगह हम लोग डेंटिस्ट के पास पहुँच गए। मैं कम इन मैडम। कम इन। आप जी, आप अभी आ रहे हैं? जी वो बात ये है। गो बैक। आई सेड गो बैक। मैं आपको घर भेज रही हूँ, आज से जिस दिन भी आप लेट आएंगे उस दिन आप ऑफिस नहीं अटेंड करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक, ओके। लेकिन जरा सोचिए, आपको एक बच्चा होता है, एक क्यों बहुत सारे हो सकते हैं आपको, लेकिन दो से ऊपर नहीं। अब आपको बच्चा होता और उसकी दांतों में दर्द होता तो क्या आप वक्त पे कोई भी काम कर सकती? मैं जा रहा हूं। एक मिनट। क्या? किसके दांतों में दर्द हो रहा है? नहीं जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। आप बता क्यों नहीं रहे? बताने से क्या फायदा, आप मुझे ऑफिस अटेंड करने थोड़ी देंगे। ओके ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है, आप इतना जोर दे रही तो मैं बता देता हूं। नहीं मुझे नहीं सुनना, आप जा सकते हैं। लड्डू की दांतों में दर्द हो रहा है और इसलिए ऐन वक्त पे मुझे उसे डेंटिस्ट के यहाँ ले जाना पड़ा। क्या करें, मेरे लिए कॉफी मंगा रही? हेलो। हेलो अमर की सासू जी। हाँ चंद्रिका जी, लड्डू अभी अभी आया है स्कूल से, चॉकलेट खा रहा है। एक मिनट। लड्डू फोन है। किसका है नानी माँ? चंद्रिका आंटी का। हेलो। हाँ चंद्रिका आंटी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो?
मैं एकदम मजे में हूँ आंटी। अब तुम्हारे दांत का दर्द कैसा बता? मेरे दांतों में दर्द नहीं, मेरे दांत तो मजबूत है। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि कभी कभार मेरे दांतों में दर्द हो ताकि मैं स्कूल से जल्दी वापस आ सकूं। ओके बेटा, बाय बाय। बाय आंटी। आप जैसा झूठा आदमी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैडम मैडम, ये एसी मेंटेनेंस का चेक है, जरा साइन कीजिए। हाँ मैडम, ये डब्बा बाटली वाले कंपनी का फाइल है, इसको भी आप चेक कर लीजिए। अरे यार अमर, आज सुबह तू उस डेंटिस्ट की क्लिनिक में क्या कर रहा था यार? मैंने भी तुमको सुबह वो लड्डू के साथ कहीं जाते हुए देखा। और ये पेंट से वो बच्चे का गाले ना इतना सूज गया था, ऐसा लगता था लड्डू को बहुत दर्द हो रहा है। मिस्टर सक्सेना, अभी कुछ ही देर पहले मैं आपके बारे में कह रही थी ना कि आप जैसा झूठा आदमी मैंने कभी नहीं देखा, मैं गलत कह रही थी। यार कुछ गड़बड़ हो गई क्या? बहुत गड़बड़ हो गई यार, तुम लोगों की टाइमिंग गलत हो गई। आप खुद तो झूठ बोलते हैं, औरत से भी झूठ बोलवाते हैं आप। आपकी इसी आदत की वजह से आज तक आपको प्रमोशन नहीं मिली। जिस दिन आपने झूठ बोलना छोड़ दिया ना, उस दिन आप प्रमोशन के काबिल भी होंगे। ये बात जी तो ठीक है। मैं इस फाइल पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि आज के बाद जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जिस फाइल पर आपने हाथ रखा है ना, वो भी सस्पेंस अकाउंट फाइल है। तो फाइल कोई भी हो, लेकिन मैंने कसम खा ली। आसिमा, जरा वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए ना प्लीज। बढ़ाओ। नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ, वो अपनी पड़ोसन है ना बिमला आंटी, वो आपसे मिलने आ रही है। हे भगवान, ये भी हमेशा गलत समय पर आती है। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या, अभी वो भोले वाली सीरियल का एपिसोड आने वाला है, मैं वो बिजली करना चाहती। ये बिमला आएगी तो शुरू हो जाएगी, बहू ने ऐसा किया, बहू ने वैसा किया। एक तो दोपहर में उसकी बहू ने आके अपनी सास के बारे में क्या क्या कहा, मेरा डायन का एपिसोड भी मिस हो गया। अच्छा, हालांकि मुझे उतना बुरा नहीं लगा एपिसोड मिस होने के, क्योंकि उसके बारे में उसने क्या क्या कहा मालूम है? अच्छा, डायन से भी बेहतर था। क्या क्या कहा? अरे बोल रही थी बिमला उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, घर में जो अच्छी अच्छी चीजें होती है ना वो खुद खा लेती है, बहू को कुछ नहीं देती। और वो और उसका पति जब घूमने बाहर निकलते हैं ना तो वो उसके साथ चली जाती है, पागल औरत। मुझे तो इतना मजा आया सुनकर। मजा तो आएगा ही, क्योंकि जब मेरी और ज्योति की नई नई शादी हुई थी तब आप बिमला थी। ए, क्या बक रहे हो? मैं बकरा नहीं, मैं इंसान हूँ। जरा याद कीजिए, याद कीजिए, जब मैं ज्योति को लेकर फिल्म देखने जाया करता था तो आप हमारे साथ आया करती थी, और सिर्फ आया ही नहीं करती थी, आप हम दोनों के बीच में बैठती थी। नानी माँ, क्या ये सच है? तू क्या सुन रही है उसका? तेरा बाप तो एक नंबर का झूठा आदमी है। शायद वही होंगी, मैं देखती हूँ। आइए ना बिमला आंटी। तेरी नानी माँ है घर में? नानी माँ घर में है? है ना, है ना। आइए 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 आइए। अरे आओ आओ बिमला, बैठो बैठो। अरे है कहाँ आजकल तू, मैं कितना इंतजार कर रही थी तुम्हारा। क्यों झूठ बोल रही हैं आप सासू माँ? अभी अभी तो आप कह रही थी कि ये बिमला हमेशा गलत वक्त पे आया करती है। ये चूहे जैसे क्या कर रही है? बिमला के बारे में नहीं कह रही थी मैं, मैं तो कमला के बारे में कह रही थी, इसकी बहू के बारे में। अच्छा, मेरी बहू आके गई यहाँ? हाँ, वो तो हमेशा आती जाती रहती है। मेरे बारे में कुछ कह रही थी? हाँ, बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी। हाँ, कह रही थी मेरी सास कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, देवी समान सास है मेरी, बहुत प्यार करती है मुझे। अच्छा, वाकई मेरी बहू मेरी तारीफ कर रही थी? मेरी तरफ मत देखिए वरना मैं सच उगलने पे मजबूर हो जाऊंगा। बोलो ना सच सच क्या है, क्या माजरा है, बोलो ना। नहीं कुछ क्या है? अरे आपकी बहू यहाँ आकर ये कह रही थी कि आप उसे तंग 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 करती है। नहीं नहीं, आप सारा खाना खुद ही खा जाती है, उसे कुछ खाने को नहीं देती। नहीं। और जब आपका बेटा और आपकी बहू घूमने बाहर निकलते हैं तो आप बीच में टपक पड़ती हैं, टपकती हूँ टपक टपक। ऐसा ऐसा कहा मेरी बहू ने? ठीक है, मैं घर जाके उसकी अच्छी खबर लेती हूँ। बुरी की खबर लीजिए? अरे बिमला, बिमला सुनो तो, ऐसे कुछ नहीं। बिम, 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 तुम्हें क्या जरूरत थी उसे ये सब बताने की? सासू माँ, मैं मजबूर था, मैंने सच बोलने की कसम जो खा रखी। अमर। हा? अरे क्या है अमर, आज शाम को क्या कर रहा है तू? क्यों, एक लड़की देखने जाना है। बीबी ने छोड़ दिया क्या? मेरे लिए नहीं यार, मेरे साले के लिए। अरे क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कवारा है तो उसे रहने दो ना बैचलर। अरे नहीं, उसका कवारा रहना मेरे लिए बहुत महंगा पड़ रहा है। क्या बात कर रहे? एक तो 12वीं फेल है
और ऊपर से उसे कोई नौकरी नहीं देता। अरे उसके महीने का पॉकेट एक्सपेंस मुझे ही देना पड़ता है। जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक उस साले से मेरा छुटकारा नहीं है। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि शादी के बाद वो बीबी के साथ तुम्हारे पास आए पैसे मांगने के लिए डबल पॉकेट एक्सपेंस। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने उसके लिए एक रईस बाप की इकलौती बेटी को चुना है। अब उन्हें सिर्फ कन्विंस करना है कि मेरा साला उनकी बेटी के लायक है। लेकिन तुम इस मामले में मुझे क्यों घसीट रहे हो? अरे यार, अगर तुम मेरे साथ रहोगे ना तो उन्हें यकीन होगा कि मेरे साले की बैकग्राउंड बहुत अच्छी है। मेरे साथ होने से ठीक है। कब चलना? आज शाम को 7 बजे। चाय लीजिए ना। आप लोग लड़की से अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हाँ राजू, कुछ पूछना चाहते हो लड़की से? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। अरे पूछो ना, टैक्सी में तुम ही तो कह रहे थे कि लड़की से पूछना है कि उसके कितने बॉयफ्रेंड्स हैं। क्या कर रहे हैं आप? हमारी लड़की शरीफ घर की लड़की है, ये बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर हमारे यहाँ नहीं चलता है। वैसे तो हम भी पूछ सकते हैं कि इनकी गर्लफ्रेंड कितनी है। नहीं नहीं नहीं, मेरा साला भी बहुत शरीफ है, ये लड़कियों की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। अच्छा, तो फिर वो कौन थी? अब वो नहीं तुमको बिल्डिंग के नीचे मिली थी, तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के तुमसे बातें कर रही थी, तुम्हारे बटन को फैला रही थी और पूछ रही थी कि शाम को कब मिले, कहाँ मिले। हाँ, वो इसकी चचेरी बहन थी। नहीं नहीं, ममेरी बहन थी। अरे मैं भूल गया, ममेरी बहन थी, सॉरी, चचेरी बहन थी। क्या हम ये जान सकते हैं कि इन्होंने तालीम कहाँ तक पाई है? हाँ, ग्रेजुएशन तक पढ़ चुका है। ग्रेजुएशन तक? लेकिन तुम्ही तो कह रहे थे कि 12वीं कक्षा में 2 बार फेल हो चुका है। वैसे भी एजुकेशन आजकल क्या मायने रखती है। हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि लड़का खाते पीते घर का है, 4 पैसे कमा लेता है। वैसे ये सर्विस कहाँ करते हैं? एक प्राइवेट कंपनी में। अरे महीने का 5-10 हजार रुपए कमा लेता है। हाँ, और अगर लक साथ दे तो और भी कमा लेता है। पर ये लक का नौकरी से क्या वास्ता? नौकरी से नहीं, लेकिन दोस्तों से तो है। मतलब? मतलब ताश और रमी। यानी गैम्बलिंग? नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है। वो क्या है, उसके कुछ दोस्तों की आदतें बिगड़ी हुई है। नहीं कुछ नहीं, वैसे एक ही दोस्त की आदत बिगड़ी हुई है, बाकी के दोस्तों जेल में है। मिस्टर पेंसे, इस रिश्ते के बारे में हम बाद में बात करेंगे। वो क्या, ये जो मेरा दोस्त है ना, उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं है, इसके लिए वो अजीब अजीब बातें कर रहा है। फिर भी आज की ये मीटिंग बर्खास्त होती है, 8-10 दिन के बाद हम खुद आपको फोन कर लेंगे। चलो बेटी। वो 8-10 दिन के बाद फोन करेंगे तब आएंगे हम यहाँ। क्या बात है पेंसे, तुम इतनी प्यार भरी नजरों से मुझे क्यों देख रहे हो? मुझसे कोई गलती हुई क्या? नहीं नहीं, गलती तो मुझसे हुई है। इससे क्या गलती हुई? गुड मॉर्निंग टॉम, गुड मॉर्निंग पेंसे। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। अरे क्या बात है पेंसे, तुम मुझे जवाब नहीं दे रहे हो? तुम मुझसे बात मत करो बस। क्यों क्यों, क्या क्यों? तुम कल इसके ब्रदर इन लॉ के प्रपोजल का वाट लगा दिया। मैंने क्या किया? अरे तुझे उस लड़की के बाप को सब कुछ सच सच बताने की क्या जरूरत थी? अरे लेकिन सच नहीं बताना है, ऐसा तुमने मुझे कहा कहा था? तुम पहले सच किधर बोलता था, अचानक तुमको हो क्या गया? कसम जो खा रखी है मैंने, वो भी फाइल पे हाथ रख कर, तुम लोग तो फिर वहाँ पे भूल गए क्या? टॉम पेंसे, मिस्टर सक्सेना, तुम लोगों को कुछ पता है, स्वीटी के फादर हॉस्पिटल में है। क्या वो डॉक्टर बन गए? नहीं नहीं, उनको माइल्ड अटैक आया है। अरे टॉम, स्वीटी अब किस दौर से गुजर रही होगी? चल चल चल, उसके बाप को देखते, चल चल, मैं भी चलता हूँ। नहीं, तुम हमारे साथ नहीं आओगे। अरे पेंसे भूल जा यार, मैं तेरे साले के लिए कोई नई लड़की देख लूंगा। अनिता को पूछते है ना? हाँ, इसका साला शादी के लायक है। देखो देखो, तुम लोग मुझे शादी वादी के चक्कर में सारा समझा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। देखा, तुम्हारे साले का रेपुटेशन इस तक पहुंच गया। तुम कुछ दिनों तक मेरे साथ बात मत करो, बात मत करो। चल टॉम, हम चलते हैं। तुम एक काम करने का ब्रदर, तुम मेरे टेबल पे जाके बैठने का और मेरा काम करने का, जब तक हम लोग जाके आते हैं। पेंसे चल। अरे टॉम पेंसे, अरे मेरी बात सुनो। अरे कुछ सच्चाई का तो जमाना ही नहीं रहा। पापा लेट जाइए आप, रिलैक्स पापा। इधर इधर इधर, ये तेरा बाप कैसा है अभी? अब बिल्कुल ठीक है, मैंने उन्हें अटैक के बारे में कुछ नहीं बताया। अच्छा किया, एम से चल। पहले देना फिर हेलो बोलना। पापा, ये मेरे कलीग्स हैं, ये मिस्टर पेंसे और ये टॉम। हेलो अंकल। अंकल डोंट वरी, तुम एकदम अच्छा हो जाएगा। हो जाएगा ना, बाय द वे डॉक्टर ने कुछ बोला तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, आपको जरा सी गैस की तकलीफ हो गई है और वो गैस ऐसे ऊपर चढ़ के आपके हार्ट तक पहुंच गया, इसलिए वो दर्द हो रहा है। थैंक गॉड,
हमको तो एक ही चिंता है मैन, हमारा बाद हमारे ये ब्यूटीफुल डॉटर का क्या होएगा? मैं ना, मेरा तो काम ही है जे, यू डोंट वरी हाँ। अच्छा अभी हम लोग जाते हैं, कुछ भी काम रहेगा ऑफिस में फोन करना, टेक केयर, चल गॉड ब्लेस यू। स्वीटी स्वीटी, तुम्हारे फादर को क्या हो गया? क्या हो गया पापा? कुछ नहीं अमर जी, कुछ नहीं होने, देखिए कितने तंदुरुस्त हैं। एकदम तंदुरुस्त है, तुम चलो यहाँ से। अरे अरे ठहरो ठहरो, मुझे उनके दर्शन तो करने थे। दर्शन? हाँ एक बार मिल ले दोस्त, पता नहीं फिर मिलने का मौका मिले ना मिले। पापा ये अमर जी है, माय फेवरेट कलीग। हेलो, अभी कैसे तबीयत है? ये कौन सा नंबर का अटैक था आपका? अमर जी अटैक नहीं है, इन्हें इंडाइजेशन हो गया है, गैसेस का प्रॉब्लम हो गया है। नर्स बता रहा था। अरे नर्स को क्या खाक मालूम है, अभी अभी डॉक्टर बता रहा था कि आपको जबरदस्त अटैक आया है। अमर जी आप प्लीज बाहर चलिए। अरे अरे रुको, मुझे इनकी हौसला अफजाई करने दो। हाँ अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, बाईपास होगा ना सबको ठीक हो जाएगा। हार्ट में ना जो नसें होती है ना उसके अंदर ब्लड का एकदम ट्रैफिक जैम हो जाता है, इसलिए बाईपास करना पड़ता है। बाईपास में पहले ऐसा काटते हैं इधर और हार्ट निकाल के टेबल पे रखते हैं, उसके बाद पैर की नसों को ऐसा उखाड़ते हैं और उसके अंदर फिर हार्ट के अंदर ऐसा डालते हैं, ऐसा गांठ मारते हैं, उसके बाद हार्ट वापस अंदर रख देते हैं, ठूस देते हैं एकदम, फिर ठीक हो जाता है। अरे एक बार बाईपास में क्या होता मालूम अंकल, एकदम बत्ती जलेगी ऑपरेशन करते वक्त, पेशेंट उधर ही खड़ा। हाँ हाँ सर मैं जानती हूँ आप आ रहे हैं, ये सब कौन सा, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ठीक 5:30 बजे हमारे चेयरमैन साहब हमें विजिट करने आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि हम उनका स्वागत बहुत अच्छी तरह से करें। मैं उनके साथ दिल्ली ऑफिस में काम कर चुकी हूँ इसलिए मैं जानती हूँ कि वो डिसिप्लिन के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर उनका मूड अच्छा होता है तो वो किसी को भी इंक्रीमेंट दे देते हैं, अगर उनका मूड खराब होता है तो वो किसी को भी डिसमिस कर देते हैं। खासतौर पर लेडीज यू बी केयरफुल, अगर वो आप लोगों से कुछ भी पूछें तो आप ठीक ठीक जवाब देना, क्योंकि उनके दिल में लेडीज के लिए खास सिंपैथी है, इतनी सिंपैथी है कि वो लेडीज हैंडकरचीफ खरीदते हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग उनका स्वागत बुके से करें और जेंट्स में से उनका स्वागत करने के लिए कोई 4 शब्द बोलेगा और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैंने मिस्टर सक्सेना को चुना है। क्यों नहीं है ऐसे ही? नहीं मैडम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी और को दीजिए। तो फिर आप बोलेंगे? नहीं नहीं, चेयरमैन के सामने मैं क्या बोल पाऊंगा। टॉम? नहीं नहीं मैम, मैं तो बच्चों के सामने भी नहीं बोल सकता। सॉरी मिस्टर सक्सेना, आप ही को बोलना पड़ेगा। देख लीजिए, आप एक बार सोच लीजिए। सोचना मुझे नहीं, सोचना आपको है कि आप चेयरमैन साहब को कैसे खुश करते हैं। हो सकता है आपके भाषण से वो आपको प्रमोट ही कर दे। मेहरबान कदरदान साहिबान, इस खुशी के मौके पर हम हमारे चेयरमैन का स्वागत एक खूबसूरत गुलदस्ते से करना चाहते हैं। हालांकि ये गुलदस्ता सस्ता है क्योंकि मैडम ने सिर्फ 25 रुपए ही सैंक्शन किए थे, लेकिन कोई भी आदमी 50 रुपए से कम गुलदस्ता देने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए हमें इसे सेकंड हैंड खरीदना पड़ा। इसकी कीमत से ज्यादा इसके पीछे छुपा हुआ जो मैडम का प्यार है वो मेरी दरखास्त है कि आप स्वीकार करें। कुछ कहना चाहते हो? नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ। तो मैं क्या कह रहा था, क्या नाम है आपका? मिस्टर चेयरमैन, आपके लिए हम सबके दिल में बहुत इज्जत है और बहुत डर भी है। इज्जत इसलिए है क्योंकि मैडम के कहने के मुताबिक आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं और डर इसलिए है क्योंकि मैडम ने यह भी कहा है कि आप बहुत मूडी हैं। अकॉल मैडम, हमारे चेयरमैन साहब दिल के बहुत अच्छे हैं, औरतों के लिए इनके दिल में खास जगह है। मैडम कहती हैं कि औरतों के लिए ये सिंपैथी रखते हैं, मैडम का मतलब था दिलचस्पी, इसलिए ये अभी तक कमा रहे हैं। मेरा मतलब है इन्होंने अभी तक शादी नहीं की। इनकी एक और खूबी है, खूबी लीटी है कि ये जब भी रुमाल खरीदने दुकान में जाते हैं तब ये जेंट्स का रुमाल नहीं खरीदते, औरतों का रुमाल खरीदते हैं। इसलिए सारी औरतों से, सारी लड़कियों से मेरी ये दरखास्त है कि ऐसी कोशिश करें, इतनी कोशिश करें कि हमारे चेयरमैन साहब ज्यादा दिन तक कंवारे ना रहे, बैचलर ना रहे। चेयरमैन साहब, मैडम की ओर से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत जल्द इस नए मिलेनियम में आपको एक लड़की मिले, मेरा मतलब है औरत मिले जो आपके लायक हो, आपकी उम्र की। ऐसा मैडम कह रही थी। अरे बचाओ, अरे अरे बचाओ, अरे 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 समझते अपने आप को। मुझे क्यों मार रही हैं आपको भाषण में चेयरमैन के सामने ये कहने की क्या जरूरत थी कि मैंने उनके बारे में ये कहा वो कहा? आपने तो कहा था कि इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए, इसलिए फाइल पे हाथ रख के मैंने कसम खाई थी कि जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। लेकिन सच कब और कहां कहना चाहिए, इतनी तमीज होनी चाहिए आपको। मैडम मैंने आपको कहा था इसे बोलने मत दीजिए।
उसे क्या पता था कि ये ऐसा कहेंगे वहाँ पर? एक्सक्यूज मी मैडम, मगर हमने चेयरमैन को सब कुछ समझा दिया है। कैसे? हमने उन्हें बता दिया कि जब से ब्रदर ने अपनी बीवी खो दी है, इनका दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने तो ये भी सलाह दिया है कि ब्रदर को फौरन मेंटल हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाए। हाँ, और खर्चा ऑफिस करेगा। अगर ऑफिस नहीं भी करेगा तो सारा खर्चा मैं करूंगी। ये सजा मिलती है सच कहने की? कोई बात नहीं, मैं उसी फाइल पर दोबारा हाथ रखकर कसम खाता हूँ। फाइल पे क्यों? मैं आप पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि आज की बात जो भी कहूंगा झूठ कहूंगा, और झूठ की सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मीठी मीठी बातें। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, सीखो झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। कोई भी उलझन हो या मुश्किल, इन्हीं बातों से मिलती है मंजिल। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें।